दोस्तों 2019 ईयर जो रहा Xiaomi के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा, जहाँ में Xiaomi ने ही काफ़ी एकदम बेहतरीन से तरह तरह के इनोवेटिव से स्मार्टफोन सबने लॉन्च किए, जिन्हें कंज्यूमर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा सराहा। और 2020 में उसी अच्छे काम को जारी रखते हुए जहाँ पर जनवरी में इसी महीने में Xiaomi लॉन्च करने वाला है अपना Mi Note 10 और Mi Note 10 Pro। मैं अमन सिंह टेक्निकल डिजिटल में आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों हमारे आज का एजेंडा है Xiaomi Mi Note 10 Pro के कुछ खास बेहतरीन से लीक्स। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करें इसी Xiaomi Mi Note 10 Pro के परफॉर्मेंस की, तो वहां में आप उसी स्मार्टफोन में आपको लगा मिल जाता है 730G यानी कि स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर की ताकत, जहां पे स्मार्टफोन को बनाते हैं काफी ज्यादा पावरफुल। और आपका स्मार्टफोन जो है गेमिंग को काफ़ी बेहतरीन तरीके से, या फिर और अगर आप किसी मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, काफ़ी ज़्यादा कैपेबल वर्क करने वाला है फ़ोन आपका रहेगा, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट इसी नए स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर के साथ में, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर। और दोस्तों वहाँ पर अगर बात करें GPU की, तो आपको एड्रीनो 618 यानी कि 618 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन स्पेक्स के साथ में काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पे अगर बात करूँ मैं परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों जो परफॉर्मेंस है ना काफ़ी आपको रॉबस्ट देखने को मिल जाती है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है यहाँ पे। अब दोस्तों बात करें इसी स्मार्टफोन के हम स्टोरेज की, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 256 GB वाला वेरिएंट, जहाँ पे रैम रहेगा 8GB का। दोस्तों अभी यही लीक हुआ है कि 8GB और 256GB वाला जो कॉम्बिनेशन है, और भी एक दो कॉम्बिनेशन जरूर लॉन्च करेंगे Xiaomi, जैसे कि मालूम है कि आजकल जो ब्रांड्स हैं ज़रूर लॉन्च करती हैं साथ में एक दो और कॉम्बिनेशन, यानी कि 8GB 256GB या फिर 12GB 256GB, ऐसे स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें अगर सिम कार्ड्स की, तो वहाँ पे आपको 12 नैनो सिम कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे कोई भी हाइब्रिड स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी का स्लॉट भी देखने को वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ख़त्म है ये चीज़, अब आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, जो आपको ब्रांड प्रोवाइड करेगी पहले से ही वो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब जैसे कि हमें पता है कि एप्पल जो है इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा दिन से लाया आ रहा है कि मतलब आप अपने स्मार्टफोन की मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो अब जो अदर ब्रांड्स हैं उसी तरफ धीरे धीरे मूव की जा रही है कि आप अपने जो स्टोरेज एक्सपेंडेशन है आप उसे और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है बस आपको उसी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर बात करें हम इसी स्मार्टफोन की कैमरा की, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है प्राइमरी कैमरा में जो कॉम्बिनेशन है उस कैमरे का, एक्चुअली वो क्वाड कैमरा है, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 108 MP प्लस 5 MP प्लस 12 MP प्लस 20 MP। यानी दोस्तों जो कैमरा है आप देख सकते हो कि मतलब किस लेवल तक पहुँच गया है, कहाँ पे अभी कंपनीज जो अदर ब्रांड्स हैं 12 MP पे हैं, 16 MP पे, वहाँ पे Xiaomi का जो आपको कैमरा देखने को मिल जाता है वो मिलता है 108 MP का। मतलब माई गॉड, मतलब कितना ज़्यादा जो आपका शॉट्स है, जो वीडियो क्लिक्स है, कितनी ज़्यादा बढ़िया आने वाली है, जहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन इमेज क्वालिटी डिटेल्स काफ़ी भर भर के आने वाले हैं। जब दोस्तों जो नाइट शॉट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आएंगी, हाइपर लैप्स वगैरह बेहतरीन आएगा, स्लो मोशन के वीडियोज़ जो हैं वो अब 960 FPS पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आने वाले हैं। जहाँ पे दोस्तों आपको अगर बात करें हम प्राइमरी कैमरा की, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में 32 MP का, यानी कि 32 MP का फ्रंट कैमरा है। अब दोस्तों बात करें हम इसी स्मार्टफोन के अगर फ्लैश की, तो वहाँ पे आपको जैसे कि आप आईफोन्स वगैरह में देखते हो वहाँ पे आपको क्वाड LED देखने को मिल जाता है, तो बस वही सेम टेक्निक यहाँ पे लिया गया है, जहाँ पे आपको क्वाड LED वाला फ्लैश देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात आती है डिस्प्ले की, तो वहाँ पे आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में, जहाँ पे आपको लगा मिल जाएगा 32 MP का प्राइमरी कैमरा। अब दोस्तों उसी डिस्प्ले के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा आपका फिंगरप्रिंट सेंसर, जहाँ पे आपको स्मार्टफोन को ज़रूर ज़रूर रखना चाहिए सिक्योर उसी फिंगरप्रिंट सेंसर को लगा के। अब दोस्तों उसी डिस्प्ले को आपको देखने को मिल जाएगा 60Hz का रिफ्रेश रेट, साथ ही साथ कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। दोस्तों इसी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है 5260mAh की बैटरी, जहाँ पे जो स्मार्टफोन की लाइफ है एक बार फुल चार्ज करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगी। दोस्तों स्मार्टफोन के इन द बॉक्स ही आपको देखने को मिल जाएगा एक फास्ट चार्जिंग, जहाँ पे आप अपने स्मार्टफोन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से काफ़ी फास्ट काफ़ी जल्दी से चार्ज कर सकते हो। इन द बॉक्स जो आपको मिलेगा एडेप्टर उसी के साथ में। दोस्तों अगर फास्ट चार्जिंग की बात करें, तो जो स्मार्टफोन है 30 मिनट्स में आपके स्मार्टफोन कर देगा 60% तक चार्ज, जहाँ पे दोस्तों उसकी बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव इसकी बैटरी बैकअप निकल के आती है। सभी तरह के सेंसर्स आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, जायरो सेंसर और भी जो तरह तरह के सेंसर्स होते हैं, सभी के सभी सेंसर्स आपको देखने को वहाँ पे स्मार्टफोन में मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करें इसी स्मार्टफोन के हम वेट की, तो दोस्तों वेट के मामले थोड़ा सा ज़्यादा ही इसका वेट हो गया, जहाँ पे दोस्तों Xiaomi थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गया शायद वेट बैलेंस में, जहाँ पे दोस्तों उसका वेट जो है
वो आपको देखने को मिल जाएगा 208 grams। तो जो फ़ोन है थोड़ा ज़्यादा बल्की होने वाला है अदर किसी स्मार्टफोन से, थोड़ा ज़्यादा बल्कि अगर बात करें सैमसंग स्मार्टफोन की, तो वहाँ पे जो स्मार्टफोन से सैमसंग के काफ़ी ज़्यादा हल्के नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्मार्टफोन है 208 ग्राम का हो गया, काफ़ी ज़्यादा बल्कि आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा अदर स्मार्टफोन से अगर आप कंपेयर करते हो तो। लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन में पूरे मेटलिक बिल्ड आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी मजबूत स्मार्टफोन रहेगा ये, जहाँ पर आप इसी स्मार्टफोन को लेकर काफ़ी रगड़ यूज़ भी अगर करते हो तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। दोस्तों जो स्मार्टफोन है काफ़ी हार्ड बिल्ड, काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन निकल के आई दोस्तों, लीक्स में ऐसा देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 9 यानी कि एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट। आने वाले समय दोस्तों आपको फिर एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट आपको ज़रूर देखने को मिल जाए उस समय बाद। अब दोस्तों बात करें इसी स्मार्टफोन सबसे प्राइम एस्पेक्ट तो वहाँ पर निकल के आता है इसी स्मार्टफोन की प्राइसिंग, जहाँ दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग है वो रखी गई है लगभग 52,000। जहाँ पर दोस्तों अगर Xiaomi का नाम आता है तो हम ये सोचते हैं कि जो स्पेक्स हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, काफ़ी अच्छी रहेंगी, लेकिन स्पेक्स आपको अच्छी देखने को मिलती है यहाँ पर, लेकिन जो प्राइसिंग है काफ़ी ज़्यादा आपको हाई देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों मैं बात करूँ आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर दोस्तों इसी स्पेक्स पर इसी प्राइसिंग में लॉन्च होता है तो दोस्तों Redmi एक और स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है यहाँ पर, जिसका नाम है Xiaomi CC9 Pro। जहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन जो है काफ़ी बेहतरीन स्पेक्स के साथ, इसी स्पेक्स के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन जो है मोस्टली जो दोनों के स्पेक्स हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक सेम निकल के आते हैं, लेकिन प्राइसिंग उसकी काफ़ी ज़्यादा कम रखी गई। जहाँ दोस्तों उसकी जो प्राइसिंग निकल के आती है लीक्स के मुताबिक वो है 29,000 के आसपास। तो दोस्तों बस हमारे आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो लाइक बटन जरूर खींच के दबाएँ, आने वाले वीडियो को अगर कुछ सुझाव देंगे तो कमेंट में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। हाँ।